भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर केनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन जमशेदपुर यूनिट ने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्रों को बचाना है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले यह प्रदर्शन सरकार की नीतियों जैसे विनिवेश, निजीकरण एवं मुद्रीकरण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य देश की सार्वजनिक क्षेत्रों को बचाकर देश को बचाना है। प्रदर्शन का नेतृत्व केनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सहायक महासचिव मनोज कुमार सिंह ने किया। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आज पूरे देश में 28 अक्टूबर के दिन ये एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन सरकार के नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि केनरा बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन भारतीय मजदूर संघ की एक इकाई होने के नाते इसका विरोध प्रदर्शन हम जमशेदपुर में भी कर रहे हैं। और इसके लिए निजीकरण के खिलाफ, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, डिमोनेटाइजेशन हो, सरकार अपने नीतियां हमेशा ही लागू करते जा रही है, अपने मनमानी कर रही है। इसके खिलाफ भारतीय मजदूर संघ हमेशा इसका विरोध कर रहा है और करता रहेगा। और आज हम लोगों ने डीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा है इस विरोध प्रदर्शन को लेकर, और आगे भी हम इस तरह का विरोध प्रदर्शन। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। बात के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सिटी स्कैन 64/7 में सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में, होटल गैली के पास, कोट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।